कॉम्पिटेंट टू प्रपोज, वो सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं। किसको प्रपोज करेंगे मालूम है आपको? पीटीए को। तो कॉम्पिटेंट टू प्रपोज का मतलब यही होता है कि जो मैनेजमेंट है वो सक्षम है प्रस्तावित करने के लिए। तो सक्षम कौन है? मैनेजमेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट को ही यहाँ पे अथॉरिटी दी गई है। अब यहाँ पे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आगे फीस को प्रपोज करे। हाँ, उनका काम है कि फीस को डिस्कस करे। कि कल रिपोर्ट कार्ड लेके आना वरना स्कूल में नहीं बैठने नहीं देंगे। और मेरा जब मोबाइल छीना गया तो मेरे बच्चे को कहा गया कि अगर आप जाके तलहा सर से बात करो तो तलहा सर बोलेंगे तब बैठाएंगे, नहीं तो नहीं बैठाएंगे आपके बच्चे को। कि जिस दिन मुझे पीटीए का ठहराव मिलेगा, मैं उसके दूसरे दिन अगर मैंने अपने बच्चे की फीस नहीं भरी तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में भेजना बंद कर दूंगी। पीटीए का गठन तो हो गया केंद्रीय स्कूल में, उसके बाद में मैं जानना चाहता हूँ, बताओ नवीन बेटा, कि कितने लोगों ने जो है यहाँ पे स्कूल का फीस भर दिया? जो 4-4 साल की बकाया थी आपकी खुद की, आपके बच्चे की जो है 4 साल की फीस बकाया केएमएस के अंदर, मैंने मेरी आंख से देखा। ये आपकी जबान से कोई फिरोज मेमन के बोलने से, फिरोज मेमन के बाप के बोलने से नहीं बदलेगा। देखो ये बात करके तो नवीन बेदाब ने खुद बता दिया है कि वो कितने बदतमीज है, कितने बड़े जाहिल है, पढ़े लिखा जाहिल हम कहेंगे। सबको मैं चैलेंज करता हूँ, एक ओपन डिबेट रखो। देखो कोई इसमें कोई डिबेट नहीं होगी, किसी तरह की डिबेट बनती भी नहीं है। उनके बोलने से थोड़ी ना हम डिबेट करने के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे। मैंने बोला है कि गधे चिल्लाते हैं तो गधे के चिल्लाने से थोड़ी हम हमारा काम छोड़ देंगे या हम उनको जवाब देने को बैठ जाएंगे। ये जवाब भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो है हमारे वालिद साहब के ऊपर जो है बात करी थी। एसएस कोड के अंदर शर्त रखी गई है कि आप प्रॉफिट बेस के ऊपर स्कूल नहीं चला सकते, एसएस कोड का फीस है। ये आप सही कर रहे हो और जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से फीस कम हो जाएगी। तो मेहरबानी करके आप एक स्कूल चालू करो और उसके अंदर पीटीए के मुताबिक सबसे पहले पीटीए गठन करो, उसके बाद में स्कूल चालू करो और स्कूल चालू करने के बाद में उसी के मुताबिक आप जो है वहाँ पे फीस रखो। पीटीए कानून पर ठीक है, चलिए जी, लेकिन इस वक्त बहुत कुछ पेरेंट्स मिसगाइडिंग महसूस होता है कि पेरेंट्स को कौन क्या समझा रहे पता नहीं, इसमें उलझ कर अपने बच्चों की वो अपने बच्चों का लॉस करते हैं तालीम का। क्या वो करता हूँ सारे बाहर के खतरे, ये तमाम ही लोग जब वोट और इलेक्शन की बात आती है तो ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये पूरे के पूरे लोग, सारे के सारे जो लोग हैं, ये कुछ 200 में बिकने वाले लोग हैं। एक ढाबे में 200 में बिकते हैं, एक पत्रकार के नाम पे खुद ये धंधा और कलम के लोग हैं और ये मुश्किल खड्डा और गठर दिखा रहे हैं। मैं आप ढाबा खाते आप लोग हो, घूमते आप लोग, आप जैसे पत्रकारी समाज के नाम पे धंधा है और आप लोग हम जैसे को हम अलग अलग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पैसे की डिमांड आप करते हो, 50 टाइम आपने 200 की डिमांड किए, मेरे से खुद किए, मुझसे मुझे खुद किए, सब डिबेट करो या खट्टा बंद करो। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है लास्ट चॉइस एंड कंपनी, जिनका भिवंडी में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स आउटलेट है। बेहतरीन किस्म के फैशनेबल कपड़े निहायत ही वाजिब दामों में, वो भी फ्री ऑल्ट्रेशन के साथ, जहाँ आपको मिलेंगे टी शर्ट 99 में, ट्रैक 199, शर्ट 299, फंकी जीन्स 399 और ब्रांडेड जीन्स 499 में। दिवाली ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही विजिट कीजिए शॉप नंबर 1 सुप्रीम होटल धामनकर नाका भिवंडी। फिरोज भाई अब ये बताइए कि कल एक वीडियो द्वारा आपको जो नवीन बेताब इंजीनियर है उन्होंने आपको चैलेंज किया, उसके बारे में आप बताइए। देखो ऐसे तो हर कोई किसी को चैलेंज करना चाहता है, अगर कोई आदमी किसी को गलत लगता है तो वो सामने वाले को सही करने के लिए चैलेंज देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चैलेंज का हर कोई आदमी जवाब दे, क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोग मोदी को भी चैलेंज करते हैं, ऐसे लोग तो महाराष्ट्र के सीएम को भी चैलेंज करते हैं, किसी को भी जहाँ पे जिसकी बात जो है नागवार गुजरती है तो उनको चैलेंज किया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हर एक चैलेंज का जवाब दिया जाए, जो बोलते हैं बोलने दो, जो चिल्लाते चिल्लाने दो, हम हमारा काम कर रहे हैं। मैंने कोई एक वीडियो डाला था, ठीक है, उस वीडियो के जरिए मैं चाह रहा था कि लोगों को एजुकेट करूँ कि पीटीए क्या है, पीटीए पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन जो होता है तो ये क्या है, इसकी हम लोग कोशिश किए थे कि लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि बहुत सारी स्कूलों में हमने ही काफ़ी चलाया है कि केमीएस में हो गया, विजडम स्कूल में हो गया, फिर बाद में और भी कई स्कूलों के अंदर ये शिकायत आ रही थी कि पेरेंट्स जो है फीस नहीं भर रहे और उनका ये कहना था कि पीटीए के तहत ही हम फीस भरेंगे। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि उनको ये बताओ कि पीटीए एक्चुअल में है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बहुत सी जो है मीटिंग पेरेंट्स की नवीन बेताब के जरिए और भी लोगों के जरिए ली गई थी और ये बताया गया था कि पीटीए के जरिए जो अगर आप स्कूल के अंदर पीटीए लागू हो जाता है तो आपको फीस बहुत ही कम भरने को आएगी, बहुत ही कम, मतलब उनका बोलना है कि 800-1000 रुपये जो है साल की भरने के लिए आएगी।
तो इसके ऊपर हमको कोई आपत्ति नहीं, भले स्कूल 800 रुपया ले या फ्री में पढ़ाए, लेकिन मेरा एक ये मकसद था कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है उससे गुमराह हो रहे थे और अपनी 4-4 साल की फीस बकाया कर लिए थे। अब 4 साल की फीस जब एक आदमी को महीने 2 महीने की या साल भर की फीस भरने को हैवी होता है, तो 4 साल की फीस भरना बकाया रखना वो ज़्यादा हैवी हो जाएगा। इसके लिए मैं सोचा था कि लोगों को पहले समझ में आएगा ये GR के थ्रू, ये जो हमने बताया था, ये महाराष्ट्र एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट ऑफ फीस, इसके ऊपर हमने बताया था। इसके बाद में मॉडिफाई करके ये 2015 में और 2019 में आए, जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो मैनेजमेंट है ये स्कूल की फीस जो है वो डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे नवीद बेताब ने एक मेरे को यहाँ पे उन्होंने टोका था और उन्होंने कहा था कि फीस जो है लिखा हुआ है कि कॉम्पिटेंट टू प्रपोज, ये उन्होंने बोला था कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो कॉम्पिटेंट टू प्रपोज का मतलब यही होता है कि जो मैनेजमेंट है वो सक्षम है प्रस्तावित करने के लिए। तो सक्षम कौन है? मैनेजमेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट को ही यहाँ पे अथॉरिटी दी गई है। अब यहाँ पे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन को अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आगे फीस को प्रपोज करे। हाँ, उनका काम है कि फीस को डिस्कस करे अगर ऑब्जेक्शनेबल लगता है। ऑब्जेक्शनेबल कहाँ पे? मैंने बताया था, साफ मैंने लफ्जों में कहा था कि 2 साल से पहले अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है या 2 साल के बाद में भी 15% से ज़्यादा बढ़ाता है तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। और ऐसे ही क्या कहेंगे कि ऐसे मामलों में जो है वहाँ पे पीटीए का रोल आता है और वो ऑब्जेक्शन ले सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है नवीद बेताब को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने कहा कि चैलेंज करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि आपने इसका हवाला नहीं दिया महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग का शासन निर्माण क्रमांक, उन्होंने ये बता के बोला कि 2010 का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मेरे जितने भी वीडियो के जो कमेंट्स थे उसमें है ना, उन्होंने ये यूनिक नंबर डाला था इसका, जिसका ये जो निर्णय है ये महाराष्ट्र शासन का निर्णय है। निर्णय भी कहाँ का है? एक IAS ऑफिसर है कुमुद बंसल, उन्होंने ये प्रस्ताव किया था महाराष्ट्र शासन को कि स्कूल के अंदर जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए। स्कूल जो धड़ल्ले से फीस बढ़ा रही है, स्कूल जो लोगों को लूट रही है, तो उसके लिए कैसा रोका जाए, उनका ही था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कितना इसके अंदर साफ लिखा हुआ है, 32,821 लोगों की सहमति के साथ में ये यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र शासन द्वारा, और उसमें है ना ये प्रस्ताव ठारित हुआ था जिसमें महाराष्ट्र शासन ने निर्णय दिया था कि क्या क्या पीटीए फॉर्म होगा और पीटीए के क्या क्या रोल हैं। लेकिन इसमें भी ये 2010 का है, 2010 के रेफरेंस से लेकर जो है ये बनाया गया है 2011 में ये महाराष्ट्र एजुकेशनल एक्ट फीस का। तो अब इसमें वो यही पकड़ के हाथ में जो है बता रहा है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि पीटीए के क्या क्या फ़ायदे हैं, पीटीए के क्या क्या राइट्स है, और इसको देखने से जो है हम लोग स्कूल को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक खास बात यहाँ पे बता दूँ एक सिंगल लाइन में कि पीटीए का फुल फॉर्म है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो जहाँ पे पेरेंट्स है वहाँ पे टीचर्स भी है। दूसरी एक बात कि जब कमेटी फॉर्म होगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जब फॉर्म होगी, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर्म होने के बाद में जो उसका चेयरपर्सन रहेगा वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब स्कूल का जो है स्कूल की अथॉरिटी पे आ गया, जो भी कमेटी के अंदर डिसाइड होगा उसको फाइनल जजमेंट देने वाला कौन है? वो अध्यक्ष ही होगा ना, वो चेयरपर्सन ही होगा, वो स्कूल का प्रिंसिपल है। उसके बाद में सेक्रेटरी, वो स्कूल के एक टीचर को बनाया गया इस कमेटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं पीटीए के अंदर भी पावर स्कूल के हाथ में ही है। मेरा स्कूल से कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई स्कूल नहीं चल रही, लेकिन मैं पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ कि ये जो पीटीए लागू करो कह रहे हैं, तो पीटीए लागू करने के बाद में भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी, कहीं ना कहीं पावर जो है वो स्कूल के हाथ में ही रहेगी। तो आप लोग ये बदगुमाबिनी में मत रहो कि इस तरह से पीटीए लागू होने के बाद में जो है हमारी फीस कम हो जाएगी और हम लोगों को जो है राहत मिलेगी। पीटीए जो है ये KMS में इन्होंने जो झगड़ा करके और बहुत सारी बातें करके बहुत सारी चीज़ों का मतलब इन्होंने हवाला दे के KMS स्कूल के अंदर पीटीए का इलेक्शन करवाया था। पीटीए के इलेक्शन होने के बाद में मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने जो है उसके बाद में फीस भरा। पीटीए का गठन तो हो गया KMS स्कूल में, उसके बाद में मैं जानना चाहता हूँ, बताओ नवीद बेताब कि कितने लोगों ने जो है यहाँ पे स्कूल का फीस भर दिया, जो 4-4 साल की बकाया थी आपकी खुद की, आपके बच्चे की जो है 4 साल की फीस बकाया KMS के अंदर, मैंने मेरी आंख से देखा है। तो आप बताइए कि आपने कितना फीस भरा है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्कूल की फीस ना भरने के लिए लोगों को जो है ये सारी बातें बताई जा रही है, समझाई जा रही है, या हम कहेंगे कि गुमराह की जा रही है। फिरोज भाई, मेरा एक सवाल है, नवीद बेताब ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि फिरोज मेमन के बाप का कानून नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या उनके बाप को नवीद बेताब के बाप का कानून है, या फिर किसी भी व्यक्ति पर इस तरह की जो टिप्पणी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो ये बात करके तो नवीद बेताब ने खुद बता दिया है कि वो कितने बदतमीज है, कितने बड़े जाहिल है, पढ़े लिखा जाहिल हम कहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो बातें करना है, हमने
पूरे वीडियो में हमने किसी का नाम नहीं लिया था, हमने खाली बताया था कि इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैं सारे पेपर लेके बैठा हूँ जिनका वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अभी बोलूँगा कि यहाँ पे नवीद बेताब की मेंटेलिटी समझ में आती है क्या, अपनी बात को मनवाने के लिए किस तरह से जो है किन अल्फाजों का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब आप लोगों ने सुना, तो हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते और इसीलिए हमने कोई डिबेट नहीं किया, क्योंकि ऐसे आदमी से बात करके क्या फ़ायदा जो कि बदतमीजी पे उतर रहा है। जब वो देखेंगे कि उनका पक्ष जो है जा रहा है तो वो बदतमीजी पे उतर आएंगे, तो ऐसे आदमी से बात करने से तो बेहतर है कि हम बात ही नहीं करें और ना कोई डिबेट करें। लोगों को हमने अपनी जानकारी दी थी, अब जिसको जो समझ में आता है, अगर किसको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो किसी एडवोकेट के पास जाइए, किसी एजुकेशनल स्पेशलिस्ट के पास जाइए या शिक्षण मंडल में जाके जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिरोज भाई, नवीद बेताब का जो नवीद बेताब है और उनका जो फेक नकली आईडी सेल है, वो चिल्ला रहे कि आओ डिबेट करो, या इसके बाद अगर वो कुछ वीडियोस बनाते तो उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखो, ये नवीद बेताब है ना, उनका नाम बहुत सही है क्योंकि उनकी बेताबी जान ही रही है किसी भी तरीके से, तो वो इतने बेताब है ना अपनी बातों को मनवाने के लिए, तो इसमें उनका पूरा आईटी सेल जो है, जो उनके साथ में जो कौन से लोग हैं, बस जो ये चाह रहे हैं कि हमारी भी फीस माफ़ हो जाए, जिनको फीस भरना नहीं है बस वही लोग जो है उनके साथ में है, तो वो लोग यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारी फीस माफ़ हो जाए, तो वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका आईटी सेल बन के बैठे। आप देखोगे तो हमारे जितने भी वीडियोज़ है, जितने नेगेटिव कमेंट है सेम आईडी से है, और उनकी वीडियो पे जितने पॉजिटिव कमेंट है सेम आईडी से है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे उनका आईटी सेल काम कर रहा है, तो आगे भी ऐसे 10 वीडियो बनाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह हम हमारी जनता को, हम हमारे जो व्यूवर्स है उनको सही बात पहुँचाने के लिए हम ये करेंगे। अगर जहाँ हमारे से गलती होती तो हम उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, और हमने बहुत सारे वीडियोज़ में किया है जहाँ पे हमारे से जो मिस्टेक हुई, जहाँ पे चूक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो आ रही है ये कौम के ऊपर नहीं, ये पूरे समाज के ऊपर आ रही है कि लोगों को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। फिरोज भाई, भिवंडी शहर में कारपोरेशन की जितनी भी स्कूलें हैं वो एकदम खस्ता हालत में, उनकी पढ़ाई वगैरह का कुछ असर नहीं है, इसके लिए मजबूर जो अपने प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ने के डालते, लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, तो इस फीस और उसके लिए ये जो नवीद बेताब ने जो चलाया है, तो उसके लिए आप क्या ये चीज़ जानना चाहेंगे, बताएंगे कि वो फीस ज़्यादा ले रहे हैं स्कूल वाले, इसके लिए लोगों ने ये काम करना चालू किया फिर गाइड? देखो, कोई भी एक स्कूल की जो फीस होती है ये इसके अंदर जो बताया गया है, ये महाराष्ट्र एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट, फी रेगुलेशन एक्ट, तो इसके हिसाब से जो स्कूल की फीस है प्राइवेट स्कूल की, वो होनी चाहिए स्कूल की लोकेशन, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की जो फैसिलिटी है, स्कूल की जो एमिनिटीज़ है, वो बच्चों को क्या प्रोवाइड करिए, उसके हिसाब से एक स्कूल की बेसिक फीस तय होनी चाहिए, ठीक है। और जब कोई आदमी बच्चा जो एडमिशन लेता है स्कूल के अंदर, मतलब जो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को डालता है, तो वो अपनी फीस स्कूल की फीस देख के ही डालता है। अब रिलायंस की जो है 2.5 लाख रुपये फीस है, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते, वहाँ जाके चिल्लाओ पीटीए। ऑल सेंट में जो है 60,000 रुपये फीस है, आप वहाँ पे जाके चिल्लाओ पीटीए। नहीं, आपने जब यहाँ पे स्कूल में डाला है तो आपने स्कूल का बेसिक जो है स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर देख के ही डाला होगा, आपने उसको एग्री किया तभी डाला है ना आपने। अब मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स वहाँ पे खड़े उसमें से एक भी जो है एडमिशन लेने के लिए कहीं भी ऑल सेम में या कहीं और नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी कैपेसिटी या हमारी जो लायकात है वो कहाँ है, तो इसके लिए वो हिसाब से वो लोग गए होंगे, ठीक है। मैं उसके ऊपर ये नहीं कर रहा, तंज नहीं कर रहा, लेकिन अब इसके बाद में ये चाह रहे हैं कि वो जो 10,000 रुपये जो आपने एग्री किया था वो भी कम हो गए, 1,000 और 800 रुपये हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये लोगों को मिसगाइड करने की ही बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है नवीद बेताब कि आप सही कर रहे हो और जिस तरह से आप बोल रहे हो उस तरह से फीस कम हो जाएगी, तो मेहरबानी करके आप एक स्कूल चालू करो और उसके अंदर पीटीए के मुताबिक सबसे पहले पीटीए गठन करो, उसके बाद में स्कूल चालू करो, और स्कूल चालू करने के बाद में उसी के मुताबिक आप जो है वहाँ पे फीस रखो, और जो टीचर्स है उनकी सैलरी भी फिर आप डिसाइड करो कि वो 800 रुपये जो बच्चा देगा साल का, तो उसके हिसाब से टीचर की क्या फीस होगी और उस टीचर की क्या सैलरी होगी, और उस सैलरी के ऊपर कौन सी क्वालिटी की टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए आएगी आपके स्कूल में, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड करो और एक मिसाल बनो। मैं तो कहूँगा कि भिवंडी के अंदर एक मिसाल बनो कि आप इतने कम खर्च में अगर कोई चलाते हैं, 4-5 साल अगर आपने स्कूल चला दी, तो डेफिनेटली आपको देखकर जो है एक पूरा रिवॉल्यूशन खड़ा होगा भिवंडी के अंदर, और लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, बाकी के स्कूलों को भी झक मार के जो है अपनी फीस कम करनी पड़ेगी। तो उसमें पत्रकारों पर आरोप लगाया कि वो कुछ भी पैसे की मांग नहीं करते न्यूज़ के लिए, क्या है सच है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये तो नवीद बेताब का एक व्यक्तिगत मामला है कि वो पत्रकारों को किस नज़र से देखते हैं, और उस वीडियो के जरिए समझ में आ गया था कि उनकी नज़र में कोई भी पत्रकार ठीक नहीं है, और इसीलिए फिर तुरंत इसके बाद में जो उन्होंने मेरे पर भी इस तरह का हमला किया और मेरे बाप के ऊपर उन्होंने अपने नाम निकाला, मतलब इस तरह की बातें की, तो इससे समझ में आता है कि नवीद बेताब जो है
वो उनकी नजर में पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर होती तो वो इस तरह की बातें नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, उसके बाद में भी वो चाहते हैं कि पत्रकार जो है उनको कवर करे, मुफ्त में आके जो है उनकी इंटरव्यू चलाए और ये करे, क्योंकि अभी उनको इलेक्शन में खड़ा होना है। लेकिन ऐसा आदमी क्या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है जो इतनी बदतमीजी करता है, जो मीडिया को, जो शहर का जो हाल आपके सामने रखती है उनके साथ में इतनी बदतमीजी करता है, उनके बाप भाई निकालता है, तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो इलेक्शन में अगर जीत गया तो आप लोग के साथ में कितनी बदतमीजी करेगा, अपने वार्ड के अंदर वो किस तरह से लोगों के साथ में रहेगा, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा होता है। विनोद भाई, एक आखिरी सवाल। उन्होंने तो वोटर्स को भी जो है बोला था वोटर्स ही बिका रहते हैं और 200 रुपए में वोटर्स बिकते हैं। जी, मैं कहूंगा कि नवीन प्रताप जैसा नेगेटिव आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि आप अगर उनसे सॉल्यूशन मांगने के लिए जाओगे ना तो वो आपको ना प्रॉब्लम गिनाने लग जाते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा था कि हमारी कौम के जो नौजवान है तो उनको फिलहाल क्या करना चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को आगे आने के लिए, अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? ये मेरे लाइव डिबेट पे है, मैं आपको बता दूंगा चाहिए तो। उन्होंने कहा कि इनको तो खाली सोने दो, इनको तो सोने से फुर्सत नहीं है, ये लोग सारे बेहिश हो गए, ये कौम इनको तो सोना जानता है। मतलब एक आदमी को अगर आप सोल्यूशन पूछोगे तो वो इस तरह से लोगों की खामियां बता रहा है, लोगों को बेहिश कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है लोगों को, तो ऐसे आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, सोते तो वो खुद रहते हैं, क्योंकि जब हमने सवाल किया था कि आपके घर के सामने इतना बड़ा खंडा है जहाँ पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं और वारदातें हो रही, लोगों को नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रही है, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? लोगों तक आप पहुंचते हैं, सोशल काम करवाते हैं, अपने घर का काम क्यों नहीं करवा रहे? वो सोना ही हुआ। हाँ, एक हिसाब से नहीं तो उसके ऊपर उन्होंने आपको ही टारगेट किया रहेगा। हाँ, उसके ऊपर उन्होंने आपको ही आपकी खामियां गिनाई होगी। हाँ, तो ये उनका वही तरीका, वही नेचर है। अगर उनको सोल्यूशन पूछने के लिए जाए, देखिए ऐसे तो वो कोई हमारे इसमें इतने कोई मायने रखते नहीं है, तो इसके लिए उनको इतना डिस्कस करना कोई ज्यादा ये नहीं है। एक आखिरी सवाल, नवेद बेताब ने आपको जो चैलेंज किया डिबेट के लिए, तो आप वो करने वाले हो या इसके बाद अगर वो कोई चैलेंज करते हैं तो उसका आप जवाब देने वाले हो? देखो, कोई इसमें कोई डिबेट नहीं होगी, किसी तरह की डिबेट बनती भी नहीं है। उनके बोलने से थोड़ी ना हम डिबेट करने के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे। मैंने बोला ना कि गधे चिल्लाते हैं तो गधे के चिल्लाने से थोड़ी हम हमारा काम छोड़ देंगे या हम उनको जवाब देने को बैठ जाएंगे। ये जवाब भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो है हमारे वालिद साहब के ऊपर जो है बात करी थी, इसके लिए मैं सोचा था कि ये इसका बात का जवाब देंगे। बाकी नवीन बेताब जैसे ऐसे कितने लोग चिल्लाएंगे, थोड़ी हम हर एक को जवाब देते बैठेंगे। तो इसके आगे कोई डिबेट नहीं होगी। आपको जो वीडियो बना के डालना है, हमारी बुराई करो, अच्छाई करो, हमको दलाल बोलो या हमको पैसे खाने वाला बोलो, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। उसके लिए मतलब यू आर फ्री, आपको जबान दी है और हमने देख लिया वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपकी जबान चलती है, तो उससे वो जग जाहिर है, पूरी भिवंडी जो है आपकी जबान से जो है वाकिफ है। तो इसके लिए इसके आगे ऐसे आदमी के साथ में डिबेट करना कोई तुक नहीं बनता। तो ऐसे में लेकर के आप जनता को क्या, भिवंडी की जनता जो उनके डिबेट को जो देख रही है, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी को संदेश दूँ। मेरा काम है लोगों तक जागरूकता पहुँचाना और मैं वो करता रहूंगा। संदेश देना जो है वो मेरा काम नहीं है। मैं बस चाह रहा था कि लोग गुमराह होने से बचे। अगर उसके बावजूद भी कोई उनके साथ में जाना चाहता है तो वो उनकी इच्छा है, देश आजाद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बोले कि कहीं उनका ये उद्देश्य तो नहीं अपने चैनल को बढ़ावा देना, सब्सक्राइबर बढ़ाना? वो हो सकता है। जिस तरह से वो लोगों के वायरल कर रहे हैं, एक ही वीडियो को अलग अलग टाइटल लेके, एक ही वीडियो को अलग अलग थंबनेल लेके जो कर रहे हैं, बार बार थंबनेल चेंज करके जो कर रहे हैं, तो उससे उद्देश्य वही लग रहा है कि किसी तरह से जो है अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए।